हेलो दोस्तों, वी ऑल नो कि अब बॉलीवुड बस कॉपी करके मूवीज बना रही है। बॉलीवुड में पहले जैसी वो बात नहीं रही और बॉलीवुड स्टार्स का बिहेवियर आउटसाइडर्स के प्रति कितना खराब है। ऑडियंस ने #BoycottBollywood मूवमेंट की शुरुआत भी कर दी। इसका असर बॉलीवुड स्टार्स में देखने को मिल रहा है। जहां पहले साउथ के स्टार बॉलीवुड में काम करने के लिए एक्साइटेड रहते थे, वहीं आज बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स साउथ की मूवी में साउथ के एक्टर डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं। देखिए ना, बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान भी साउथ के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि सलमान और साजिद नाडियाडवाला की दोस्ती में दरार आ गई है और अब सलमान कभी ईद कभी दिवाली को खुद ही प्रोड्यूस डायरेक्ट करेंगे और एक्टिंग भी खुद ही करेंगे, लेकिन बाकी कामों के लिए उन्होंने साउथ के जाने माने लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। जैसे सलमान ने म्यूजिक डायरेक्शन के लिए साउथ के देवी श्री प्रसाद को चुना है, जिन्होंने सलमान को कई सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं। रेडी फिल्म के गाने उनमें से एक हैं। साथ ही एक्शन सीन्स के लिए साउथ के स्टंट डायरेक्टर अनिल बासु को हायर किया गया और सिनेमेटोग्राफी के लिए वीर मणिकांता को हायर किया गया है। अब तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही मालूम होगी कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। आपका क्या मानना है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में बताइए और कंट्रोवर्सी से भरी खबरों के लिए हॉट कंट्रोवर्सी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक कि साउथ के जाने माने एक्टर वेंकटेश भी सलमान के कभी ईद कभी दिवाली में नजर आएंगे। लग रहा है भाईजान ने ऑडियंस को खुश करने के लिए पूरी साउथ इंडस्ट्री को ही हायर कर लिया है।